व्हाट डज द माइक्रोसॉफ्ट लोगो रिप्रेजेंट? क्या आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का लोगो में जो चार कलर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? द विंडो टीएम लोगो सिंबलाइज एन एक्चुअल विंडो विथ फोर पेन्स, हैव अ लुक बिलो। जो आपके चार पेन्स हैं, जो चार विंडो हैं, वो किस चीज को सिंबलाइज करती हैं? और विंडो टीएम का क्या मतलब है लोगो में? व्हाट डज इट सेंस? ये हम आपको आज बताने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। डज हैव अ डीपर मीनिंग ऑफ दीज फोर कलर? यू कैन सी दैट ईच पेन हैज अ डिफरेंट कलर, ऑरेंज रेड, ऑरेंज और रेड, ग्रीन ब्लू एंड येलो। इट इज बिकॉज ईच ऑफ दोज कलर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो चार कलर जो है वो कॉर्पोरेशन के डिफरेंट डिवीजन के प्रोडक्ट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चारों का अलग अलग डिवीजन है जिसमें अलग अलग काम होता है, इसलिए चार कलर इसमें हैं। अब वो किसके लिए हैं वो देखिए। रेड मीन्स बिजनेस। रेड कलर का मतलब है कि बिजनेस। बिकॉज इट सजेस्ट अ लॉन्ग बिजी लाइफ क्विक एंड हॉट, which means office is mean to get things done nice and quick। और उसका मतलब है कि आपके ऑफिस जो है वो अच्छे और जल्दी से काम करता है बिजनेस के लिए। रेड रिप्रेजेंट करता है। लाइट ब्लू इज विंडो द बैकग्राउंड ऑफ एवरीथिंग यू डू ऑन द ऑफिस। जो कुछ भी आप बैकग्राउंड में करते हैं वो लाइट ब्लू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्लू इज अ कूल एंड स्लीक एंड क्विक कलर। Symbolize what Microsoft want window to be, sleek and quick, yet cool and easy on eye and easy to use। और जो आपको बहुत soothing है और आपको जल्दी से काम करने के लिए आसान ढंग से प्रमोट करता है, आपका कूल कहलाता है ये कलर। ग्रीन। ग्रीन इज अ माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग मेनली Xbox। ग्रीन इज अ फन एंड द गो कलर मीनिंग मैक्सिमम फन। और ग्रीन का मतलब मैक्सिमम फन से है और गेमिंग से है, जो एक्सबॉक्स से मेनली रिलेटेड है। नेक्स्ट इज अ येलो कलर। येलो इज अ बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, विच इज व्हाट माइक्रोसॉफ्ट हार्डवेयर इज बिल्ट टू बी, लॉन्ग लास्टिंग एंड एफिशिएंट। आपका माइक्रोसॉफ्ट किस हार्डवेयर से बना है और कितने दिन चलेगा और कितना एफिशिएंट है, वो येलो कलर रिप्रेजेंट करता है। येलो इज अ बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। व्हाट डज टीएम मीन ऑन लोगो? अब लोगो में टीएम क्यों लिखा जाता है? टीएम स्टैंड फॉर ट्रेडमार्क। द टीएम सिंबल ऑफन सीन इन सबस्क्रिप्ट सुपर सबस्क्रिप्ट लाइक दिस। जब कोई वर्ड के ऊपर छोटा सी और वर्ड लिखा होता है तो वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। इज यूजली यूज्ड इन कनेक्शन विद एन अनरजिस्टर्ड मार्क, जिसका मतलब है कि ये आपका अनरजिस्टर्ड मार्क है इन टर्म ऑफ स्लोगन, लोगो और अदर इंडिकेटर। टू प्रोवाइड अ नोटिस टू पोटेंशियल इन्फ्रिंजर्स दैट कॉमन लॉ राइट्स इन मार्क आर क्लेम्ड। और इसके लिए आप वो क्लेम भी कर सकता है अगर आप उसके पोटेंशियल राइट को तोड़ते हैं। इज माइक्रोसॉफ्ट टीएम और तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ट्रेडमार्क है कि आर है? R means Microsoft R window is a registered trademark। Then R भी लगा होगा तो registered trademark होगा। Microsoft Corporation, United State, another country, Microsoft R Excel is a Microsoft Corporation product name in United State। United State में Windows Microsoft के साथ R लगा होता। R means register और TM means only the trademark। So if you like this information, please run, share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media links, Facebook page, Facebook group, keep us on Instagram and fly with us on Twitter. So and join the Telegram channel if you like to get more. So thank you viewers, this is all today. If you like it, please share and subscribe. Thank you.